हेलो भाई लोग, तो शिव का हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए कि सुबह का कहानी सुनने से मन में जो है शांति मिलेगी। और सुनिए, सुनकर पसंद कीजिए कैसा कहानी धर्मेंद्र सूरदास ने सुनाया है। चलिए सुनाते हैं। एक लड़की थी, वो डेली शिव चर्चा में जाती थी डेली। तो एक दिन की बात है कि अपना माँ बाप से बोली कि सबका मकई लग रहा है, तुम मकई नहीं लगाओगे क्या? तो उसका माँ बाप ने बोला, जवाब दिया उसका पिताजी ने, कि मकई लगाएं तो कैसे लगाएं, यहाँ के लोग मकई रहने नहीं देगा, कोई उसका देखभाल नहीं करेगा। तो कह दिया लड़की ने, कोई नहीं देखभाल करेगा तो हम करेंगे देखभाल, लगा दो मकई। तो उसका पिताजी ने क्या कहा कि हर बैल लेकर के खेतों में जुताई करके मकई लगा दिए। तो किस पल में मकई धीरे धीरे पटाते गए, सिंचाई करते गए, वो धीरे धीरे बाल फूटने लायक जब हो गया, बाल धर लिया, तो वो लड़की ने कही कि हम ऐसे मकई कैसे अगोरें, इसमें कुछ मचान उचान गाड़ दीजिए तो हम मकई अगोरेंगे। तो उसका पिताजी ने कहा कि ये कि बाँस ला करके, ओ बछड़ का जो बाँस होता है भाई लोग, जो बाँस ला करके कर दिए मचान, मतलब बना दिए मचान। बनाने के बाद वो लड़की एकदम दोपहरिया में मकई अगोरती थी ऐसी। एक दिन की बात है कि अचानक, वो तो डेली शिव चर्चा में जाती थी, तो शिव गुरु एक भिखमंगा के रूप धारण करके आए कि बच्ची क्या कर रही हो? तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं बाबा, मकई अगोर रहे हैं, तो हमें भी दो बाल दो ना। हाँ हाँ, अभी हमारा माँ बाप नहीं खाया है, आपको मकई दे दूँ? क्यों मैं आपको मकई दूँ, नहीं दूँगी। तो फिर बोले शिव गुरु कि वो तो नहीं चिन्ह रहा है कि शिव गुरु हैं, वो तो एक भिखमंगा के धूप रूप धारण करके गए। तो रूप धारण करके गए भिखमंगा के, फिर बोल रहे हैं कि ये बच्ची नहीं दोगी मकई क्या? तो लड़की ने जवाब दिया, ए बूढ़े जाता है कि नहीं यहाँ से, अभी कोई हमको मकई खाया है नहीं, मैं तुमको मकई कैसे दे दूँ? तो शिव ने गुस्सा के मारे साफ बन गए। साफ बन करके उस लड़की ने क्या कहा कि काट लिया, उस लड़की को काट लिए। तो फिर क्या हुआ कि गांव घर में उसका मम्मी पापा तो कह रहे थे कि हमारा बच्ची तो मकई अगोरने गई है, तो मकई अगोरने गई है तो देख रहे हैं तो लड़की तो मरे हुए पाई है। तो लड़की ने उसका लड़की का लहास के ले जा रहे थे लोग। तो एक फिर शिव गुरु फिर वही रूप धारण करके अभी अपना असली रूप में निकले कि कहाँ ले जा रहा है इसका, तो मर गया है, जा रहे हैं जलाने के लिए बाबा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, हम है ना, क्या दूध की आवश्यकता है, दूध लिया सकते हैं आप लोग? कहे हाँ बाबा, हम लिया सकते हैं। तो ले गए। तो ये कहा कि आपको ये क्या है? तो हमारा ये बहन है, भाई का मतलब कहा। तो कहा कि आपका बहन है तो एक गिलास दूध है ये पी जाइए। नहीं नहीं, हमारा बहन है तो दूध हम नहीं पिएंगे। तो ले चला शिवा शिवा लोकावन जिए, हाँ कोई न भाई ने दूध नहीं पिया। तो भाई ने दूध तो नहीं पिया। फिर बोले कि आप क्या हैं इस लड़की का? तो हम तो लड़की का पिताजी हैं। तो अगर अपना बेटी को बचाना चाहते हैं तो ये दूध पी जाइए, ये दूध पीजिएगा तो आपका बेटी बच जाएगी। कहीं नहीं नहीं नहीं, एक तो हमारा बेटी मर गया है, ये दूध पियेंगे तो हम भी मर जाएंगे। तो चलिए देखिए इस कहानी में अंतराय आ गया क्या।
ले चला सिबा सिबा लोकवन जी हाँ कोई न हमा जंगिया बैठा नाए कनाता है जी यहाँ कोई न हमा। जो कन्यादान होता है भाई लोग, वही के मतलब ये कह रही है कि जंघिया बैठाना एक नाता है जी यहाँ कोई ना हमारा। तो ये बात तो सही बोल रहा है। तो उसका पिताजी नहीं पिया, फिर गई भोले बाबा कहें कि आप के हैं कि हम उनका माताजी हैं, ये दूध आप पी सकते हैं, आपका बेटी बच जाएगी। तो बोली नहीं 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 हमको मरना है क्या, हम नहीं पिएंगे दूध, हालांकि वो बचे या मर जाए। तो ले चला सिबा सिबा लोकवन जी हाँ कोई ना हमा नाही ओ मम्मी जी की बेटिया ना जी नाही मम्मी जी हमा दूधावा पिया ना एक नाता है जी नाही कोई ना हमा कोई ना हमार। तो भाई लोग उसका तो कोई भी नहीं दूध पिया। वो तो शिव गुरु का किए कि सारा के सारा दूध वो अपना ही पी गए। वो लड़की तो जीवित हुआ। और फिर जीवित हुआ तो यहीं तक कहानी को विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।